फ्रेंड, आज मैं आ गई हूँ अपनी नई रेसिपी पे, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी सीताफल की सब्जी। उसके लिए मैंने आधा किलो सीताफल लिया है, इसको अच्छे से धो के काट लिया है, टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ मैंने 3 टमाटर काट के रख लिए हैं, ये देसी टमाटर है। और हरी मिर्च काट ली है, और अदरक के 2-4 इंच छोटे से पीसेस भी काट के रख लिए हैं। और इधर हरा धनिया रखा हुआ है। और यहाँ मैंने तेल गरम कर दिया है। मैं सीताफल की सब्जी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का तेल का यूज करती हूँ। उसके लिए मैंने ये पंचफोरन मसाले लिए हैं, जिसमें है राई, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसको हम अच्छे से, जीरा, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कटी हुई सीताफल की सब्जी। ये ऐड करके इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, बस स्वाद अनुसार हल्का नमक और डालूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम आंच पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने रूटीन के मसाले। इसमें मैं ऐड करूंगी चुटकी भर लाल मिर्च, क्योंकि हम मिर्च कम खाते हैं इसलिए मैं कम ही मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च भी डाल रखी है। और चुटकी भर हल्दी, और इसमें डालूँगी मैं 1/2 चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के पका लेंगे। अब इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने के लिए रख दूँगी। देखिए फ्रेंड, बनके तैयार है हमारी सीताफल की सब्जी। सब्जी ने अच्छी तरह तेल छोड़ दिया है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। हम लोगों को ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ अच्छे से। ये देखिए, ये आप अमचूर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा बना सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। ये देखिए, हरा धनिया डालने से इसका स्वाद और दोगुना बढ़ जाता है। बस हमें के फ्रेंड, तैयार है हमारी कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी। देसी टमाटर से ही खट्टापन आ जाता है। अगर आप और खट्टा पसंद करते हैं तो आप नींबू निचोड़ सकते हैं, आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।